अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फ़हीम अहमद उस्मानी है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ और मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल में काम करता हूँ। मेरा न्यूरोसर्जरी के अंदर ऑलमोस्ट 8 to 9 years का एक्सपीरियंस है। आज जिस चीज़ पे हम बात करेंगे वो है सर दर्द, या उसको आप इंग्लिश में हेडेक कहते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन मसला है हमारी पूरी पॉपुलेशन के अंदर। इसके बारे में थोड़ी सी उसकी चीज़ें बताना चाहूँ ताकि लोगों को आसानी हो कि इसके इलाज क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं। सर दर्द पूरे सर में भी हो सकता है, आधे सर में भी हो सकता है। इसकी बहुत सारी अकसाम हैं। अगर आप इनके अकसाम गिने तो तकरीबन वो 100 से ऊपर अकसाम हैं जो इनके मुख्तलिफ़ किस्म के सर दर्द लोगों को हो सकते हैं। उसके अलावा इसकी वजूहात भी अगर आप इनकी जाएँ तो वो तकरीबन बहुत ज़्यादा हैं, 10, 20, 30, 40 से भी ज़्यादा इसकी वजूहात हैं। मगर हम जो जिस पे स्ट्रेस करेंगे वो जो कॉमन चीज़ें जो हमारी पॉपुलेशन के अंदर हैं और जिनको लोग इग्नोर करते हैं। तो सबसे पहली जो सबसे बड़ी वजह सर दर्द की हमारी पॉपुलेशन के अंदर है वो है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना। और हाइपोटेंशन जो कि ब्लड प्रेशर लो होना है उसके अंदर भी सर दर्द होता है, और ये हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है मगर लोग इसके इलाज के लिए बॉदर नहीं करते। ब्लड प्रेशर पूरे सर में सर दर्द करता है, कनपट्टियों में बाज़ लोगों को स्ट्रेस आता है, पेन आता है, और उसके अलावा गर्दन के पट्टे भी खींचते हैं इस बीमारी के अंदर। और इसका इलाज दवाइयों से है। दवाइयाँ अगर आप रेगुलर लेते रहेंगे तो सर दर्द जो है वो ठीक हो जाता है विद टाइम, मगर अगर आप इतना पुराने अरसे से गोली नहीं लेते और आप फौरन लेना शुरू करते हैं तो फौरन से आराम नहीं आता, इसको थोड़ा सा वक्त लगता है सेटल होने के अंदर। दूसरी बड़ी वजह है नज़र कमज़ोर होना। नज़र जब कमज़ोर होती है तो सर दर्द पूरे सर में भी हो सकता है, आधे सर में भी हो सकता है, और उसके अलावा धुंधलापन आँखों में या आँखों के सामने कभी अंधेरा आ जाना और चक्कर भी लोगों को आ सकते हैं। ये दो चीज़ें मेरी पहले बताने का मकसद ये है कि जब भी सर दर्द होता है तो लोग न्यूरोसर्जन के पास दिमाग की करके सीटी स्कैन हमने कराना है, लोग इस फरमाइश के साथ आते हैं कि जी हमारा सीटी स्कैन करा दें, मगर वो इन दो बड़ी वजूहात को यकसर नज़रअंदाज कर देते हैं इनको। और मोस्टली तकरीबन 100 में से 70-80 लोगों का ये इन दो चीज़ों का प्रॉब्लम होता है, और जब वो इसका इलाज कराते हैं तो उनको सीटी स्कैन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और वो ठीक हो जाते हैं। तीसरी जो चीज़ जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस परेशानी, लोगों को मुख्तलिफ परेशानियाँ होती हैं और वो स्ट्रेस एक सर दर्द की बड़ी वजह है, जो तीसरी बड़ी वजह है। इसमें जो सर दर्द है वो आधे सर में होता है टिपिकल, मगर जो बीमारियाँ हैं वो बुक्स नहीं पढ़ती तो मुख्तलिफ प्रेजेंटेशन भी हो सकती है, मगर ज़्यादातर ये जो सर दर्द है ये आधे सर का होता है, और इसका भी दवाइयों से इलाज मुमकिन है। मौसम के इसका जो सर दर्द होता है जिसको हम मिग्रेन कहते हैं, जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होता है, 70% लोगों में वजह उसमें स्ट्रेस होती है मिग्रेन की, तो उसका इलाज काफ़ी हद तक मुमकिन है क्योंकि ये बहुत ही डिबिलिटिंग डिजीज़ है। जब इंसान किसी काम करने काबिल नहीं रहता जब उसको ये सर दर्द और होता है, और ये जब मल्टीपल अटैक्स हों महीने में आपको तो वो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा मिजरेबल कर देते हैं। मगर अगर आपने किसी डॉक्टर के पास जाएं बर वक्त उससे इलाज कराएं तो इस चीज़ का भी इलाज मुमकिन है। चौथी चीज़ दिमाग में आपकी रसौली वगैरह या दिमाग के प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर भी सर दर्द हो सकता है, मगर वो बाद में आती हैं। सबसे पहले आप इन सब चीज़ों को, उसके बाद दिमाग के अलावा और भी बहुत सारी वजूहात हैं, मगर सबसे जो कॉमन एक मैसेज मैं देना चाहूँगा उसमें ये है कि सर दर्द के लिए आपने अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। अगर आपकी लाइफ अगर आपको लगता है कि डिस्टर्ब हो रही है उस सर दर्द की वजह से तो आप टाइम निकाल के डॉक्टर के पास जाएं ताकि वो उसकी तशखीस करे, और उसका अगर दवाइयों से इलाज है दवाइयों से करे, या उसका कोई और हल है लाइक दिमाग में कोई मसला है उसकी कोई ऑपरेशन वगैरह होना है तो वो उसकी तरफ बढ़ सके। तो सबसे पहला काम है कि किसी चीज़ को आपने इग्नोर नहीं करना, आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है और फिर उसके ऊपर छोड़ दें कि वो तशखीस करे और आपका इलाज करे। तो ये जो सर दर्द है काफ़ी हद तक काबिल इलाज है, और सिर्फ एक रियलाइजेशन की ज़रूरत है कि आपको डॉक्टर के पास बर वक्त जाना है और इसका इलाज कराना है।